क्वेश्चन नंबर वन से, यानी 51 क्वेश्चन नंबर वन, 50 में से पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन स्पोर्ट, इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स इंडियन नहीं है। इसमें ए है कबड्डी, बी है खो खो, सी है हॉकी, डी है रग्बी। तो रग्बी आपको मालूम होना चाहिए कि रग्बी इंडियन खेल नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया में आयरन मैन लौह पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है। इंडिया में लौह पुरुष के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज, आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेरा होता है, या उसको इंग्लिश में गोइटर भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर, कौन से रिवर के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है। तो हीराकुंड डैम जो बना हुआ है वो महानदी के ऊपर बना हुआ है। करेक्ट आंसर इज महानदी। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू, 1024 किलोबाइट्स किसके बराबर होता है, 1024 किलोबाइट यानी 1000 बाइट, किलोबाइट मीन्स 1000 किलोबाइट यानी एक्चुअल में 1024 होता है, 1000 बाइट का 1 मेगाबाइट होता है, ठीक है। तो 1024 किलोबाइट्स का 1 मेगाबाइट होता है, या 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1024 किलोबाइट्स किसके बराबर, मेगा 1 मेगाबाइट्स के बराबर है। अगर यहाँ पे मेगाबाइट्स होता है तो 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। सो हियर करेक्ट आंसर इज 1 मेगाबाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, जो लोग अतीत में किए गए चीजों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दोज हु स्टडी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, दीज आर कॉल्ड, दिस पीपल आर कॉल्ड। तो पुरातत्व विभाग, पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं हम इनको, जो पुरानी चीज़ों के ऊपर अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई के अनुपात का अनुपात क्या है, चौड़ाई और लंबाई जो है उसकी, उसका अनुपात क्या है, किस रेशियो में है लंबाई और चौड़ाई। करेक्ट आंसर उसका है 2:3, 2:3 अनुपात में है हमारा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में क्या, वाघा सीमा कहाँ स्थित है, वाघा बॉर्डर जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है वाघा बॉर्डर, वो कहाँ पे है। तो वाघा बॉर्डर स्थित है हमारे अमृतसर के अंदर, अमृतसर पंजाब। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर नाइन, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं में निम्नलिखित सूची में से जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान PVC यानी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोजी तारापुर या बी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल या सी कैप्टन विक्रम बत्रा या मेजर सोमनाथ शर्मा। करेक्ट आंसर इज डी, मेजर सोमनाथ शर्मा, ये कुमाऊं रेजिमेंट के थे, मेजर इनको परमवीर चक्र मिला था कारगिल युद्ध के दौरान, कारगिल युद्ध में बहादुर से लड़ने, बहादुरी के साथ लड़ने के लिए इन्हें परमवीर चक्र मिला था। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया है। क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर है कि उत्तराखंड ने अपने
उत्तराखंड ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया। उत्तराखंड करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। नो क्वेश्चन नंबर 11। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री अरुण जेटली ये तो उनका देहांत हो गया, अब नहीं है ये। वेंकैया नायडू अभी वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है श्री वेंकैया नायडू। ना क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सीय चिकित्सक क्या कहलाता है? ए मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज। बच्चों की बीमारी को देखने चेक करने वाले या बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? पेडियाट्रिशियन। क्वेश्चन नंबर 13। सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? सितारों के समूह को क्या कहते हैं? जो सितारे होते हैं आसमान में, बहुत सारे सितारे दिखते हैं, उनको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, नक्षत्र, नक्षत्र मंडल। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। ठोस होने पर कौन सा गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? विच गैस व्हेन सॉलिडिफाइड इज कॉमनली नोन एज ड्राई आइस। इनमें से कौन सा गैस सॉलिड होने पर ड्राई आइस, ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जिसको ठंडा करने पे, कूल करने पे वो हार्ड हो जाता है, ठोस हो जाता है और उसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ड्राई आइस कहते हैं जब वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 65। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? ए मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम टेन्योर ऑफ हाउ लॉन्ग, दैट इज 6 ईयर्स, ठीक है। 6 साल का अधिकतम इनका यह होता है कार्यकाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। पी गोपी चंद किस खेल से जुड़ा हुआ है? ठीक है, पी गोपी चंद बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। पी गोपी चंद बैडमिंटन के चैंपियन रहे। पी गोपी चंद बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप 2001 में इनको मिला था और ये दूसरे व्यक्ति हैं इंडिया के जिन्होंने ये पुरस्कार पाया है। इनसे पहले प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण के फादर हैं, उन्होंने ये पहले ये चैंपियनशिप लिया था, ठीक है। यहाँ पे बी पी गोपी चंद, लीला गोपी चंद किससे एसोसिएटेड है? ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बेचती है? एप्पल, BSNL, HP या सोनी, ठीक है। तो BSNL कंपनी जो मोबाइल बेचती नहीं है बल्कि मोबाइल की सर्विस देती है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज BSNL। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 यानी 18th क्वेश्चन है। जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? व्हीकल कैपेबल ऑफ ट्रैवलिंग ओवर लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड होवरक्राफ्ट, रोवरक्राफ्ट, मोवरक्राफ्ट या कार, ठीक है। तो होवरक्राफ्ट बोलते हैं। 18। जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? तो ऐसा वाहन जो जमीन और पानी दोनों पे चल सकता है उसे हम
होवरक्राफ्ट कहते हैं, होवरक्राफ्ट जो लैंड और पानी दोनों में चल सके। अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी ऐसा बना नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी बन जाएगा जो कि लैंड और वाटर दोनों पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है? द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर, तो इसरो है। इसरो वो संस्था है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो स्पेस प्रोग्राम को देखती है। ठीक है, करेक्ट आंसर है जी, इसरो। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? उनका लोगो, उनके लोगो पे क्या लिखा रहता है, मोटो क्या है भारतीय नौसेना का? करेक्ट आंसर इज बी, शनो वर्ण। शनो वर्ण क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि ओशियंस के जो देवता है, यानी समुद्र के देवता की कृपा हो हमारे ऊपर। शैम नो वरुण, वरुण वरुण देव की हमारे ऊपर कृपा हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? आंसर क्या है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा था? वो था लीवर। करेक्ट आंसर इज लीवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, हु हैज रिटन सारे जहां से अच्छा? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा है। इज द डीपेस्ट क्वेश्चन, सबसे डीपेस्ट ओशियन कौन सा है? सबसे गहरा जो समुद्र है वो कौन सा है? वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे गहरा ओशियन है। कितनी गहराई है इसकी? 36,200 फीट गहरी है। ठीक है, गहरा समुद्र है ये, 36,200 फीट गहरा, सबसे गहरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, Who fixes the salaries and the allowances of the speaker of Lok Sabha? Lok Sabha के जो speaker होते हैं उनकी salary और allowance कौन fix करता है? ठीक है, the correct answer is President. President fix करते हैं कि कितनी salary मिलेगी speaker को और क्या allowances मिलेंगे। 25, Which article of constitution provides Indian citizen right to equality? ठीक है, समानता का अधिकार प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? वो है अनुच्छेद 14। करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 14। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे हमारे जीपी के जनरल नॉलेज के, जो कि सैनिक स्कूल के क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।